उनकी कोशिश यहां पर मावी को स्पॉट गैस कैन भी फटता और साथ में गिल भी आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देते, बट एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ मावी का। ईएसएम अपने एक एक करके प्लेयर्स खो रहे हैं, प्लेस गोलियां बहुत कम। मदर टीएक्स, हां पता चल गया था गाइस मुझे वैसे। यस टीएक्स डिड क्वालीफाई, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू टीएक्स, मजा आ गया। मतलब हम पार्टी तो बहुत पहले से कर चुके हैं इस बात की, 10-15 मिनट पहले। ये सस्पेक्ट टू आई गया ये मैच, क्या बात है। यस दे क्वालिफाइड, गुड। अगर आपको प्रेशर क्रिएट करना है, एजेस पे अपना रास्ता आसान करना है, तो कुछ नॉक्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। वन साइड ग्लोरी काफी ज्यादा मुश्किल में, बट मीनवाइल टीम ऑरेंज डॉग के जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ पर फाइट लेते नजर आ रहे हैं। टीम ओबे एक बार फिर से थोड़ा बैकफुट पर नजर आएगी। ऑरेंज डॉग के वैक्सी को यहाँ पे डाउन किया जाएगा गिल के द्वारा, तो जिस चीज की हम बात कर रहे थे एक बार फिर से वो चीज हमें देखने को मिलती है। बट मीनवाइल यहाँ पर एक और स्पॉट जो उनका आगमन हमें जरूर से देखने को मिलेगा, करके इतना ईवो एक बढ़िया 1v2 यहाँ पर करके जाएंगे। जो एक खिलाड़ी नॉकड आउट है उनको भी इजिली रिवाइवल दिया जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पर एंटिसिपेट नहीं किया था उन्होंने कि प्लेयर आएंगे टीम ओबे, उनको कोई भी आइडिया नहीं था व्हीकल लेकर के इतना ओपन में आप आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी और फिलहाल उनको पनिश भी किया गया। नाम है जिगल सर, बिल्कुल भी आपने जिगल नहीं करा वहां पे। आप देखें कि सामने वो प्लेयर खड़ा है, रिलोड कर रहा है वहां पे, वो गन स्विच कर रहा है, उसके बावजूद आप उस प्लेयर को खत्म नहीं कर पा रहे। बट स्काउट की बात करी जाए, सामने से वैक्सी का जवाब आता हुआ, स्काउट को डाउन किया जरूर गया, देखते फिनिश कर सकते हैं या फिर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट नहीं, काफी ज्यादा दूर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बट ओबे के प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किल में, बट चलिए इसी के साथ उनकी स्क्वाड 16वें स्थान पे स्कारलेट गेमिंग के द्वारा एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देगी। बट इस वक्त ओआर के स्क्वाड सर्कल के अंदर नहीं है, टीम एक्सपॉक्स सर्कल के अंदर नहीं है। लेजेंड जो बहुत ज्यादा बाहर थे सर्कल के अंदर, पहुंच नहीं पाए और वो खत्म हो गए। 3 फिनिशेस ओआर के पास है तो सही, वैक्सी यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। मोस्ट वैल्यू टीम एक्सपॉक्स शॉट देते हुए आपको दिखाई देंगे। बट गिल की बात करी जाए तो वहां पे 90 FPS सर, उनको भी डाउन किया जरूर गया। बट दूसरे साइड पे अगर बात करें टीम एक्सपॉक्स, मावी लास्ट प्लेयर बचे हुए थे अपनी टीम से, बट इसी के साथ ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट करते हुए नजर आएगी टीम ए के लिए। अंदर जा रहे, वापस से बाहर है। बट दूसरे साइड टेलर की बात करी जाए, वो कालो को द्वारा डाउन किया गया। ऑगलिस 5 का एक बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त चलता हुआ, डेडपूल जो नॉक से खत्म हो चुके, रेज आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, टीएसएम शायद रश करने की कोशिश कर सकते हैं, बट टीएसएम लास्ट प्लेयर निंजा जॉर्डन के सर्वाइव करते हुए आपको दिखाई देंगे। टीम एक्सपर्ट को आप देखें, बड़े सुरक्षित जगह पे वो लोग बैठे हुए, वो हिलने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे, जहां पे रुके वहीं पे थमे बैठे हुए हैं। बट ओजी की स्क्वाड इस वक्त ओआर को एलिमिनेट है, बट वहीं पर टीएसएम के प्लेयर्स ओबे के सामने यहां पर फाइट लेने की कोशिश, एक ग्रेनेड करेंगे, एक एक करके प्लेस पर डाउन किया। शैडो यहां पर पिक करेंगे अपने ओपोनेंट्स को, वेल दे आर मूविंग फॉरवर्ड, लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन से देखा जा रहा है। एक्विनॉक्स के ऊपर एक ग्रेनेड आया, खुद को आगे बाहर रखना चाहते हैं, बट एचपी बहुत लो है यहां पर इनकी, इनको डाउन किया जाएगा। ओबे धीरे धीरे फ्रंट फुट पर आ रही है, टीएसएम अपने एक एक करके प्लेयर्स खो रहे हैं, प्लेस गोलियां बहुत कम बची है, उनको भी डाउन किया जाएगा। ओबे इज रेडी फॉर एन अपसेट, ओबे वहां पर टीम्स को एलिमिनेट कर सकती है जब निंजा अकेले बैठे हुए कहीं और ही फाइट ले रहे हैं केबीपी के साथ। ओ माय गॉड, यहाँ पर निंजा भी डाउन, एंड टीएसएम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। वो टीम जो अभी तक कंसिस्ट पुकार की बात करें, हो सकता है उन्होंने फुटस्टेप सुने जरूर, बट जेड की बात करी जाए वो भी साइक के द्वारा डाउन किए गए। बॉम्बर वो भी डाउन हो जरूर जाएंगे यहाँ पे, बट ग्रेनेड जरूर जाएगा पुकार का, उन्होंने वहां पे फुटस्टेप सुने जरूर है। बट जली की बात करी जाए, अच्छे टाइम पे वहां पे उन्होंने मूवमेंट दिया, जली अभी भी उनके लिए खत्म नहीं हुई है चीजें। बट मावी की बात करी जाए, वो डाउन हो जाएंगे, अल्ट्रॉन डाउन है, गिल यहाँ पे मौजूद जरूर रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्काउट भी उनके साथ रहेंगे। देखते हैं दो प्लेयर, वो एक अच्छा ग्रेनेड वहां आता हुआ, गैस कैन भी वही था कि अगर थोड़ा सा ऊपर और आया होता वो ग्रेनेड तो गैस कैन भी फटता और साथ में गिल भी आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देते, बट एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ मावी का। दो प्लेयर ओजी के वहां पे डाउन जरूर, बट जोकरबॉट की बात करें वो भी डाउन हो जाएंगे, जो प्लेयर यहां पे डाउन अल्ट्रॉन बड़े आसानी से रिवाइव किया जाएगा। बट सर्कल इस वक्त टीम एक्सपॉक्स से काफी ज्यादा दूर, और यहां पे गिल जो फाइट लेने के लिए जा रहे हैं, ऐश को उन्होंने डाउन जरूर से करा, और यहां पर फिनिशेस के लिए जा रहे खिलाड़ी एक ही ओपी, लास्ट मैन स्टैंडिंग बचेंगे, लेकिन जोन का भी डैमेज आएगा, जिक्सो के द्वारा वो स्प्रे जाएगा जहां पर गिल को डाउन किया जाएगा। टीम ओरांगुटन गेमिंग के एकलौते प्लेयर स्टैंडिंग बचेंगे, एक ही ओपी जिनका जोन में पहुंच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन। आप देखिए हीलिंग्स यहां पर ड्रॉप की जा रही है उनके खिलाड़ियों के द्वारा, ताकि हील बैटल अब यहां से टीम ओरांगुटन गेमिंग जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए। अभी भी आप देखिए 15 टीम सर्वाइव कर रहे हैं। टीम एक्सपर्ट की बात करें, स्काउट के पास मात्र 2 फर्स्ट एड, मावी एकलौता फर्स्ट एड उनके पास वो रहेगा, क्या वो पॉप इन कर पाएंगे वक्त रहते। वहीं अगर हम बात करें स्काउट की, वो जा तो रहे, जोन को आउटरन करना बहुत मुश्किल रहेगा और बहुत चैलेंजिंग
बी. मीनवाइल केबीपी जॉर्ज वो टीम स्काईलाइट गेमिंग की मुश्किल बढ़ाएंगे और आगे की तरफ आ रहे स्काईलाइट गेमिंग के सौ मिराज डाउन है, उनका फिनिश होगा सिक्योर. केबीपी जॉर्ज की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि दो खिलाड़ी उनके भी डाउन हो जाएंगे. कार्तिक काफी ज्यादा दूर से शॉट्स कनेक्ट करते हुए केबीपी के दोनों प्लेयर यहां पे डाउन जरूर है, बट डेस्ट्रो अब उनको कमाल दिखाना पड़ेगा आगे जाने की कोशिश क्योंकि बाकी दो प्लेयर वहां पे मौजूद जरूर है. आगे मारू वहां पे स्पॉट किए गए, डाउन किए जाएंगे. एक आखिरी प्लेयर केबीपी जॉर्ज देखते देखते बिखरते हुए आपको नजर आएगी. आखिरी प्लेयर सिंचार लगता है पीछे से, अगर उसको खुला छोड़ा गया इस समय, अगर उसको देखा ना गया, बट जेली की तरफ से आप देखिए, स्काउट की तरफ से आप देखिए, दो प्लेयर्स दो अलग अलग टीम्स, एक टाइप से यहां पर टीम अप देखने को मिला. इफ नॉट एनीथिंग, नेड्स और गन्स का इस्तेमाल किया गया था और टीम एक्सबॉक, वेल दे आर मूविंग फॉरवर्ड. स्काउट अभी भी आगे जाना चाहते हैं, पांच फिनिशेस टीम के पास, किल के पास. यहां पर अगर हम बात करें एचपी बहुत कम है, लेकिन बैरल लेकर के आगे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. वैक्सी बिल्कुल सामने, गन यहां पर उन्होंने हटाई, ग्रेनेड यहां पर कर सकते हैं. वैक्सी देयर, वैक्सी देयर, व्हाट हैपेंड? ओआर ईस्पोर्ट्स स्ट्रेट अप टू गेट दिस विन. व्हाट अ ब्रिलियंट विन विद अ चिकन टू द बाय ओआर ईस्पोर्ट्स. पिक अभी नहीं निकाल पा रहे, कोई भी प्लेयर ओपन में नहीं आ रहा है. यहीं पर एक प्लेयर को स्पॉट किया, सब्स्टिट्यूट नॉर्मल स्पॉट होते सीधा उनको डाउन किया जाएगा. दूसरा प्लेयर भी स्पॉट किया जा चुका है. स्काउट आगे नहीं जाना चाहते, वो साइडलाइंस पर जाना चाहते, जो प्रेशर बनाया है उस प्रेशर को रखना चाहते हैं. सामने उन्होंने लेजेंड को भी स्पॉट कर लिया, शॉट्स ले लिए जा रहे हैं. 25 गोलियां 18 गोलियां पर बचती है, लेकिन वहीं पर किल आगे जाएंगे, एक पिक निकालेंगे. टीम एक्सपॉक, वेल वो लाइटिंग वापस से दिख रही है इनकी द्वारा. एंड इट 4v2 सिचुएशन, एक्वानॉक्स और शैडो अलग अलग एंगल्स पर. टीम एक्सपॉक क्या ये पहला चिकन लेकर के जाएंगे सेमीफाइनल्स में? इंपॉर्टेंट सवाल. और वहीं पर कोशिश रहेगी, एक्वानॉक्स स्मोक के एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं. शैडो की बात करें, उनके पास पत्थर का कवर है, बट मावी ने यहां पर प्लेयर को स्पॉट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जोन का भी डैमेज मावी को पड़ रहा है. सामने की तरफ को जाना पड़ेगा, आगे उनको कूदना है. शैडो एक पिक निकालने की उनकी कोशिश, यहां पर मावी को स्पॉट करेंगे, इंस्टेंटली डाउन करेंगे एक्वानॉक्स की मदद से. और एक आखिरी प्लेयर यहां पर टीम एक्सपा के बचे, अल्ट्रॉन, और उनके ऊपर ग्रेनेड्स किए जा सकते हैं. नीड परेड रहेगी टीएसएम. वेल They wanted it. Well, they got it. Team X. ये देखते हैं. Team X Park पांचवे पर, Celsius छठे पर, TSM चौथे पर, Orgless तीसरे पर, OR दूसरे पर. 95 टीम रेवलरी की बात करें, 31 अंक वन साइडेड ग्लोरी 26 अंक के साथ. Destructex की बात करें, 25 अंक Spark. Hashtag you. With...